आशा दीदी आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आइए आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए ये देखिए मैंने ये 2 किलो गाजर लिए और ये मैंने कद्दूकस कर लिए, ठीक है। ये मैंने रखी हुई है दोनों कद्दूकस करके। ये मैंने 1/2 किलो खोया लिया है, अगर आप चाहो तो खोया बाजार से भी ला सकते हो, मैंने ये खुद बनाया है। कई लोग दूध के साथ उबाल के बनाते हैं गाजर का हलवा, लेकिन मैं खोवा पहले बना के रख रही हूँ और फिर बाद में बना रही हूँ इसको। और ये मैंने 350 ग्राम चीनी ली है, आप अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने अखरोट लिए हैं इसमें डालने के लिए, और ये काजू ले लिए हैं, ये किशमिश ली है, ये मैंने नारियल कद्दूकस किया हुआ है, ये मैंने इलायची पाउडर लिया। आइए बनाते हैं गाजर का हलवा। ये मैंने गैस ऑन कर लिए और सबसे पहले ये जो मैंने गाजर कद्दूकस करी है इनको सेक लेंगे। सबसे पहले गाजर भूनेंगे। हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि जब शिवरात्रि का व्रत करते हैं उस दिन आने नहीं खाते, तो आने नहीं खाते तो सीधी सी बात है सागर बनाना होता है। सागर में फिर सबसे अच्छा होता है गाजर का हलवा। आज शिवरात्रि है तो सबको हलवा बनाना ही है, देखते कैसे बनता है हलवा। जैसे ही गाजर सिकने लग जाए, अच्छे से नरम हो जाए, उसमें बाद में फिर चीनी डाल के सेंकनी है हमें। बस एक बार ये थोड़ी अच्छे से सिक जाए। ये देखिए गाजर सिक रही है। ये देखिए गाजर पक चुकी है। आप इसमें मैं चीनी डाल दूंगी। गाजर पकने के बाद अब ये जो चीनी मैंने डाली है इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और इसको तब तक चीनी को सेकेंगे, भूनेंगे जब तक इस चीनी में से पानी आता बंद नहीं हो जाएगा, क्योंकि चीनी जो डली है ये पानी छोड़ेगी और हमें वो पानी ख़त्म करना है। बस चीनी घुल रही है। बस हलवा में यही ट्रिक है, इसका ये ध्यान रखना है कि ये लगे ना कढ़ाई में। अगर कढ़ाई में हलवा लग जाएगा तो समझिए पूरा हलवा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, उसमें जलने की महक हो जाएगी, इसलिए इसको बराबर हलाते रहना है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है हलवे का। बस अब इसको ऐसे ही कुछ देर के लिए भूनेंगे। चीनी ने पानी छोड़ दिया है,
ये देखिए नीचे पानी दिख रहा है। अब हमें ये जो पानी है बस किसी को सुखाना है। इसके बाद हम पोहा डाल देंगे। आइए डालते हैं खोया। अब मैं इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट डाल दूंगी क्योंकि कुछ गांधीसी के लिए बचाना है, कुछ मैं पहले डाल दूंगी। नारियल ये अखरोट इसको थोड़ा सा तोड़ लूंगी। कुछ काजू क्रश किए हुए ये मैंने पहले से क्रश करके रखे हुए हैं। किशमिश पहले अब इसको बनाना है। अच्छा हलवों में एक चीज देखनी है कि हम कैसे पता लगाएं कि ये बन चुका है। तो जब ये हलवा ज़मीन में ये छोड़ने लगेगा समझो हलवा बन के तैयार है। ये कढ़ाई में हमें अपने आप घी दिखने लगेगा और ये पूरी तरह एकदम खुश्क हो जाएगा सीखते सीखते। इतनी जल्दी बन के तैयार हुआ देखिए हलवा। इसीलिए मैं इसको ऐसे खोए के साथ बनाती हूँ क्योंकि जब दूध के साथ बनाते हैं ना उसमें काफ़ी समय लग जाता है। आजकल वैसे ही भागदौड़ वाली ज़िंदगी में वक्त किसी के पास नहीं है, इसलिए जैसे भी किसी दिन आपको टाइम मिले आप खोया बना के रख लीजिए। खोया 1 से 2 दिन फ्रिज में आप रख सकते हैं आराम से। देखिए ये बन चुका है करीब करीब। अब इसमें घी डालेंगे बस हलवे में इतना ही घी डालता है। अब इसको घी डाल के अच्छे से और भून लेंगे।
धीरे छोड़ने लगा है सीखने के बाद। समझिए हमारा हलवा बन के तैयार है। मैं इसको बंद कर देती हूँ गैस को। आइए देखते कैसा बना है। अब मैं इसको गार्निशिंग के लिए नारियल, काजू, किशमिश, ऊपर से इलायची पाउडर डाल के गार्निशिंग करेंगे। ये देखिए, खा के बताइए कैसा बना है। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।